कुल्लू जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर पुलिस लाइन बाशिंग में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 48 पदों के लिए मंगलवार से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में महिला उम्मीदवारों में खूब उत्साह देखा जा रहा है। आगामी 2 दिनों में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के लिए ग्राउंड टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कुल्लू जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर पुलिस लाइन बाशिंग में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 48 पदों के लिए मंगलवार से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई और भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन ही 1256 महिला उम्मीदवारों को कॉल लेटर भेजे गए थे, जिनमें से 964 महिला उम्मीदवारों ने फिजिकल टेस्ट परीक्षा में भाग लिया। इसमें 544 महिला उम्मीदवारों ने ग्राउंड टेस्ट पास किया, जबकि 420 महिला उम्मीदवार ग्राउंड टेस्ट से बाहर हो गई। इसके अलावा 292 महिला उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया। आईजी सेंटर रेंज एन वेणुगोपाल की मौजूदगी में भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 1 अगस्त तक पुलिस लाइन बाशिंग में भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें 46 पुरुष कांस्टेबल और 14 महिला कांस्टेबल व 8 ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एएसपी कुल्लू राजकुमार चंदेल ने बताया कि कुल्लू जिला में 68 पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए पुलिस विभाग द्वारा अलग अलग बूथ लगाकर टेस्ट लिए जा रहे हैं। जिला में भर्ती प्रक्रिया जो है 30, 31 और 1 को हो रही है। इसमें आज जो है महिलाओं को बुलाया गया है, जिसमें महिलाओं के 1256 लड़कियों को कॉल किया गया था। 14 सीटों के लिए महिलाओं की भर्ती हो रही है, जिसमें आज लगभग 950 के करीब जो है महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। और कल जो है लड़कों को बुलाया जा रहा है, जिसमें 1500 के लगभग लड़के बुलाए जा रहे हैं। और परसों भी जो है लड़कों को बुलाया जा रहा है, जिसमें 1215 जो है लड़के जो बुलाए जा रहे हैं। इनमें टोटल 68 सीट्स है, जिसमें 14 लड़कियों की सीट्स है और 46 सीट जो है लड़कों के लिए और 8 सीटें जो है ड्राइवर्स के लिए है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।